सो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले व्हाट इज़ फेजर डायग्राम इन एसी सर्किट। अब देखो जो फेजर डायग्राम होता है ना, बेसिकली ये तुम्हारा कॉज और रिजल्ट, दैट इज़ जो एक्शन होता है ना, हम कुछ करते हैं तो कुछ एक्शन होता है ना, उसके बीच में जो डिले होता है ना, उसी डिले को अगर हम कोई ग्राफ में या फिर कोई एक ड्राइंग में बनाए तो उसको हम बोलते हैं आपका फेजर डायग्राम। तो इसका सिंपली एक डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली इसमें वेब वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड रिजल्ट। रिजल्ट, ये बातें क्लियर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, ये बातें क्लियर है, इसी को बोलते हैं हम आपका फेजर डायग्राम। ये बातें क्लियर है। और अगर हम एसी करंट की बात करें तो यहाँ पे आपका कॉज क्या रहेगा, हियर द कॉज। कोई एक सर्किट में करंट क्यों फ्लो होता है, ऑब्वियसली उसमें ईएमएफ जनरेट हुआ होगा हियर। तो इस केस में एसी करंट में हियर द कॉज इज ईएमएफ, एंड रिजल्ट क्या होगा फिर, किस जब वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है, एंड द रिजल्ट इज करंट। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो इसको समझने के पहले इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लिया जाता है जिसको समझाने के लिए, डन है कि फेज असल में क्या होता है। अब इसके लिए तुम कंडीशंस मानो कि तुम्हारे पास एक ट्रेन है, डन, ये मेरे पास एक ट्रेन है, ये ट्रेन में बोगीज है, डन, ये बोगी, एक और बोगी, एक और बोगी, ऐसे करके बहुत सारे बोगी हैं, ये बात है क्लियर, इस तरह बहुत सारे बोगी हैं हमारे पास, और ये रहा इंजन। अब क्या होगा, मान लो मैंने अभी इंजन स्टार्ट किया, ठीक है, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ, मैंने देखा अभी अभी बोगी का इंजन स्टार्ट हुआ, तो मेरे लिए अभी से मैं टाइम देखना शुरू करूँ, अभी बोगी का इंजन मतलब वो इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने के 1 सेकेंड बाद मैंने देखा कि ये वाला बोगी आगे मूव हो रहा है, 2 सेकेंड बाद देखा अब ये वाला बोगी आगे मूव हो रहा है, 3 सेकेंड बाद देखा कि ए वाला मूव हो रहा है, 4 सेकेंड बाद इसे मूव होते हुए दिखा, 5 सेकेंड बाद इसे देखा हमने, 6 सेकेंड बाद हमें दिखा ए वाला मूव हो रहा है, 7 सेकेंड बाद हमने देखा इसे ए वाला बोगी मूव हो रहा है, 8 सेकेंड बाद ए बोगी, 9 सेकेंड बाद ए वाला बोगी मूव हो रहा है, 10 सेकेंड बाद सपोज मान लो ए वाला बोगी मूव हो रहा है। तो कुल मिला के लास्ट बोगी को मूव होने में कितना टाइम लगा, मतलब पूरा ट्रेन को मतलब मूविंग करना, देखो पूरा ट्रेन मूव होना स्टार्ट हुआ कितना टाइम बाद, 10 सेकेंड बाद, क्योंकि यहाँ पे एक लैग हुआ, डन, ये जो लैग हुआ इसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, कि ये दो फेज में नहीं है फिलहाल। इसका मतलब ऐसा होता है, अगर ड्राइविंग फोर्स, दैट इज आपका इंजन जो ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स और जो रिजल्ट है, जो मूवमेंट होना चाहिए, वो एक रिदम में नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, टाइम डिले होता है, ये बातें क्लियर है। इसी चीज़ को अगर मैं इस चैप्टर के टर्म पे लिखूँ, एसी करंट के टर्म पे, तो मैं क्या लिखूंगा, हियर ड्राइविंग फोर्स कौन इसको ड्राइव करेगा, ईएमएफ इज नॉट इन फेज विथ करंट। ये बातें क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इंजन था, तो इंजन चालू होने पे बोगी मूव होना चाहिए था। इसी तरह सेम अगर हम इसको देखें इलेक्ट्रिक करंट में, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स सपोज ईएमएफ है, तो ईएमएफ लगाने के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होना चाहिए था, तो मूव सारे इलेक्ट्रॉन को, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको मूव होना चाहिए था, उसके बीच में थोड़ा सा टाइम लैग होता है, ये बातें क्लियर है। तो इसी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। हियर द ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ अगर इस चैप्टर के साथ देखें तो इज नॉट इन फेज विथ करंट, सो देयर इज अ फेज डिफरेंस, देयर इज अ फेज डिफरेंस। अब देखो मैंने यहाँ डायरेक्शन भी बताया था, सेम इसी चीज़ को आप ट्रेन से डायरेक्शन समझो, ये मान लो मेरे पे एक ट्रैक है, डन, ये मान लो मेरे पास एक ट्रैक है, ट्रैक में मैं यहाँ पे ट्रेन चलवाने वाला हूँ। अब पहले डायरेक्शन मान लो कुछ एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बातें क्लियर है। अब देखो सपोज ये ट्रेन का इंजन यहाँ पे, इंजन मतलब ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ इंजन यहाँ पे है, और इसका बाकी वाला पार्ट यहाँ पे, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे एक लास्ट में एक गार्ड का गार्ड होता है ना, अगर आपने ट्रेन देखा होगा सामने इंजन और लास्ट में एक खाली डब्बा होता है जिसमें गार्ड बैठा होता है, ये बातें क्लियर है। अब देखो इस मोमेंट पे इंजन आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, इंजन आपका जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, ये बोगी जो एंडिंग वाला बोगी है गार्ड का बोगी वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है वेस्ट में, ये बातें क्लियर है। ट्रेन तो एक ही है ऑब्वियसली, जब जब ये इंजन और आगे चले जाएगा तो ये जो
देखो इंजन का कॉज ही इसको मूव करवा रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली थोड़ा देर बाद फॉलो करेगा सेम डायरेक्शन, लेकिन फिलहाल कहाँ है, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पे ट्रेन आ जाएगा तो इस केस में इंजन आपका कहाँ जा रहा होगा, इंजन जा रहा होगा ईस्ट में, और पीछे का जो गार्ड वाला बोगी है, बोगी कहाँ जाएगा आपका। देखो ट्रेन यहाँ था, यहाँ से आ गया आ गया आ गया यहाँ आ गया, जब यहाँ आ गया होगा तो ट्रेन का सिर दैट इज़ इंजन ड्राइविंग फोर्स आगे जा रहा है, बाकी ट्रेन कहाँ मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है साउथ की तरफ। तो इनमें अभी डायरेक्शन का हेर फेर है, तो डायरेक्शन की वजह से भी दिख रहा है ना, पहला बोगी देखो पहला बोगी किस तरफ जा रहा है, वो वाला बोगी किस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का भी झोल झाल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिमिलरली अगर लिखें दैट इज कॉज हियर हियर देयर इज अ फेज डिफरेंस, अगेन यहाँ मैग्नीट्यूड के टर्म पे हुआ था, टाइम के डिले की वजह से हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ डायरेक्शन की वजह से हुआ था, अगेन एक फेज डिफरेंस है, हियर देयर इज ए फेज डिफरेंस किस किस के बीच में, अगर करंट के टर्म पे हम रिलेट करें तो ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ एंड करंट। अभी आप सोचोगे करंट को तो मैंने पहले ही स्केलर बोला था, तो अभी डायरेक्शन क्यों ले रहा है। देखो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, बस एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, खाली वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बाकी सब कुछ फॉलो करता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें उसको लेना पड़ता है, क्योंकि जस्ट एक ही प्रॉपर्टी, मान लो वो दुनिया उसके अंदर दुनिया के सारे अच्छे गुण हैं, बस वो बेचारा खाली सिगरेट पीता है, फेंक दोगे क्या उसको, नहीं फेंक पाओगे ना, तो वो कंसिडर करना होगा। तो इस केस में बेचारा करंट के पास सारे प्रॉपर्टी, वेक्टर लॉ के सारे प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बस एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में हमें उसको मानना पड़ता है, ठीक है, बहुत जगह चीज़ों को समझने के लिए डायरेक्शन मानना पड़ता है हमें। सो देयर इज़ ए फेज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ एंड करंट, क्या ये बातें क्लियर है। अभी मैं इसको प्योरली आपके इलेक्ट्रिकल टर्म पे लेके जाने वाला हूँ, डन। तो फर्स्ट हम इसको जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास फेज डिफरेंस दैट इज़ फेज डायग्राम या फिर फेज डिफरेंस को समझने का, फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास वेव डायग्राम से। फर्स्ट मेथड क्या है, वेव डायग्राम। तो इसमें कुछ ऐसे बनाते हैं, ये मैंने बनाया एक वेव, क्या बात है क्लियर है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ड्राइविंग फोर्स दैट इज़ ईएमएफ, एक टाइम लाइन है, डन। 0 सेकेंड में ड्राइविंग फोर्स स्टार्ट हुआ, करंट के टर्म पे लिख रहा हूँ, फिर ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम पहुँचा, फिर ड्राइविंग फोर्स नेगेटिव में चले गया, मैक्सिमम नेगेटिव, फिर दोबारा 0 आ चुका है, फिर आगे ट्रैवल कर रहा है, दोबारा साइकिल को रिपीट कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल है, क्या ये बात है क्लियर है। ये अगर कंप्लीट साइकिल है तो ए वाला कितना, अच्छा ए वाला मीज वाला कितना होगा, दैट इज़ हाफ ऑफ द साइकिल 2t/4, ये बात है क्लियर है, मतलब कुल मिला के t/2। ए वाला कितना होगा दैट इज़ t/4, ए वाला कितना होगा, ए वाला पार्ट दैट इज़ आपका 3t/4, ये बातें क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखता हूँ तो π/2 एंगल, ए वाला एंगल कितना होगा पाई होगा, ए वाला पॉइंट कितना होगा आपका 3π/2 होगा, ए वाला पॉइंट 2π होगा, क्या यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, डन है। अब चलो अब देखते हैं आगे की बात। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स 0 सेकंड में स्टार्ट हुआ था, उसका रिजल्ट जो कि हमें करंट दिखेगा उसमें कितना डिले था, लगभग 10 सेकंड का डिले था, डन। 10 सेकंड तो ज़्यादा हो गया, मतलब मान लो कि 1 सेकंड का डिले था, डन है। तो यहाँ पे बनाते हैं करंट, एनी हाउ ये जो अगर मैक्सिमम वैल्यू है ना इसका, जो करंट का वैल्यू होगा हमेशा इससे कम होगा, इस तरह कम होगा इससे करंट का वैल्यू, ठीक है। तो हमने देखा जब ये स्टार्ट हुआ था 10 सेकंड डिले हुआ, लेट इट बी ये पूरा टाइम पीरियड 20 सेकंड का था, ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा 10 सेकंड होगा, तो जब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ स्टार्ट हुआ तो उसके कितने सेकंड बाद ये पूरा मूव करना शुरू हुआ, 10 सेकंड बाद। तो मतलब 10 सेकंड बाद इसको याद हुआ कि हाँ मेरा बोगी मतलब मेरा इंजन आगे जा रहा है तो मेरे को भी जाना चाहिए, तो फिर वो धीरे धीरे करंट भी क्या करेगा, धीरे धीरे इस कंडीशन से बढ़ेगा, ऐसे करके बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर अपने आप को नीचे लेगा, फिर ऐसे करके बढ़ते रहेगा। तो अगर तुम देखो तो इन दोनों के बीच में क्या है, फेज हैं, दिख रहा है ना। जब जब ए एक साइकिल कंप्लीट है मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया था उस टाइम ये चलना शुरू हुआ, इनके बीच में कितना फेज का डिफरेंस है। अब देखो जब ये शुरू हुआ तब ऑलरेडी ईएमएफ कितना ड्राइविंग फोर्स पाई चल चुका था, तो इनके बीच में कितना फेज है, कितना फेज का डिले है, पाई, पाई अमाउंट ऑफ फेज का डिले है, क्या बात है क्लियर है। ये नीचे वाला आपका क्या है, करंट का ग्राफ है, दैट इज रिजल्ट, ए कॉस था ए रिजल्ट था। अगला बार मैं इसको दोनों को इकट्ठा बनाऊंगा, ठीक है, दोनों को इकट्ठा बनाऊंगा, ऐसे करके बनाऊंगा, यहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके दोनों को मैं अगला बार इकट्ठा बनाऊंगा, ऐसे करके देखना। अभी यहाँ पे मैं दोनों को इकट्ठा मर्ज करके बना रहा हूँ ना, तो अगले बार मैं इसको ऐसे मर्ज करके बनाऊंगा, ठीक है, दोनों को ऐसे मर्ज करके बनाने वाला हूँ, डन है। तो एक आपका रहेगा ईएमएफ का और एक रेड वाला ऐसा बना दूंगा वो रहेगा करंट का, डन। ए होता है आपको इकट्ठा एक ही दिखने वाला है, ए होता है फेजर डायग्राम, किसके फॉर्म में, फर्स्ट मेथड वेव के फॉर्म में, डन। तो फेजर डायग्राम फर्स्ट हम बनाते हैं वेव के फॉर्म में। सेकेंड हम जो फेजर डायग्राम बनाते हैं उसके लिए आपको क्लास 11th रिकॉल करना होगा।
मैंने क्लास 11 में आपको दिखाया था ये जो वेव का पैटर्न, इसको मैंने बहुत बढ़िया से आपको समझाने का कोशिश किया था वहाँ पे। तो हमने उसको कुछ ऐसे करके बनाया था, याद है, एक सर्कल बनाया था हमने, फिर सर्कल को हमने चार पार्ट्स में काट दिया था, क्या याद है। फिर हमने बोला था ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको ज़ीरो मानेंगे, ज़ीरो, फिर इसको बोला था कि पाई बाई टू मानना है, फिर इसको क्या बोले थे, फिर यहाँ पे मान लेंगे कि पाई टाइम पीरियड है, यहाँ तक पहुँच चुका है, फिर यहाँ आ जाएगा आपका थ्री पाई बाई टू, फिर दोबारा घूम के आ जाएगा ज़ीरो या फिर टू पाई, क्या बात है, क्लियर है। सिमिलरली टाइम पीरियड के टाइम पे लिखेंगे तो ज़ीरो टाइम, यहाँ पे आपका कितना टाइम आएगा, टी अपॉन फोर्थ, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका थ्री टी बाई फोर, एक मिनट, अच्छा हाँ टू टी बाई फोर, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री टी बाई फोर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा टी कंप्लीट टाइम, देन यहाँ पे थ्री टू टी बाई फोर मतलब टी बाई टू, ये बातें क्लियर है। ऐसा करके हमने बनाया था डायग्राम। अब देखो यहाँ पे पहले आपको कॉज लिखना होगा, तो यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज के लिए मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉज है ईएमएफ, तो लेट इट बी, ऐसा करके मैं ईएमएफ को बनाऊंगा, ये मेरा ईएमएफ ई नॉट है, मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट है, एक कुछ एक एंगल के साथ है, दैट इज़ ओमेगा टी एंगल के साथ है, डन। और हमने देखा था जब भी ऐसा कुछ चीज़ आता है इसके दो कॉम्पोनेंट बनते हैं, तो ए वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, हाइपोटेनस के साथ है, देखो ए वाला कॉम्पोनेंट बेस है, तो ए बनेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमने बोला था कि इसका हमें फिलहाल कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या आया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली ए वाला अगर तुम देखो, जैसे ए वाला ई नॉट कॉस ओमेगा टी बनेगा ए वाला पार्ट, सिमिलरली ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बातें क्लियर है। ऊपर वाला पार्ट ए बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम किसको रखेंगे, हम बस इसी चीज़ को रखेंगे, ठीक है, और इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये हमारा कोई काम का नहीं है, डन। ए मैंने बनाया ड्राइविंग फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या होगा, एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, तो करंट, ऐसा मैंने बनाया करंट के टर्म को, डन। करंट के टर्म ये भी मान लो एक छोटा सा ऐसा साइकिल है, एक छोटा सा ऐसा साइकिल है यहाँ पे, ये मैंने बनाया करंट के टर्म। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितना लैग था, पाई अमाउंट ऑफ लैग था। अब देखो जनरली पाई को छोड़ के मैं कोई एक फाई ले लेता हूँ, डन, मैंने एक फाई अमाउंट ऑफ लैग को ले लिया, तो इसी डायग्राम को हम लोग इस बार क्लास 12 में बनाएंगे, बट इस सर्कल को नहीं बनाएंगे, यही डायग्राम बिना सर्कल का आपको कैसा दिखेगा, ये मैंने चार डंडी खींच दिया, चार डंडी खींचा, ये मैंने बनाया एक ई एम एफ, डन, ए है ई नॉट, ए वेक्टर पूरा एक वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है, ई नॉट ड्राइविंग फोर्स वेक्टर फॉर्म, इनके बीच में एंगल ओमेगा टी, इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे एक कितना ई एम एफ जनरेट कर रहा होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, इस साइड को ले लेंगे, ए वाले साइड को ले लेंगे, यहाँ पे जो एक वेक्टर आएगा ये हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी बता देगा। ये था आपका कॉज, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास, करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि हमने इस कंडीशन में देखा, अगर इसी को माने तो यहाँ पे करंट क्या थोड़ा देरी बाद प्रोड्यूस होगा, डन, उसको बहुत थोड़ा देरी बाद पता चलेगा कि हाँ मेरा बोगी मूव कर रहा है। तो इनके बीच में कितना फिलहाल पाई का था, मान लेते पाई को छोड़ के हम मान लेते यहाँ पे एक फाई अमाउंट है, कोई भी जनरल फाई है, डन, पाई हो सकता है, थ्री पाई, कुछ भी हो सकता है, डन है। तो अगर मैं पूछूँ ए वाला एंगल कितना है, फिर ए वाला एंगल फिर कितना है, यहाँ से लेके ए वाला एंगल कितना है, आप क्या बोलोगे, ठीक है आप एक क्या करो, इस पाई में से जो टोटल पाई है ना, समझ रहे हो ना, इस पाई में से ओमेगा टी को माइनस कर दो, ऐसा ही बोलोगे। लेकिन याद रखना ये अगर आपको याद हो तो ए वाला एंगल ऊपर की तरफ हम एंगल पॉजिटिव में लेते हैं, नीचे की तरफ हम एंगल नेगेटिव में लेते हैं, तो ए वाला एंगल डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव में है, तो यहाँ याद रखो पाई माइनस ओमेगा टी करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो जैसे कि हमें नोमेनक्लेचर डायरेक्शन फॉलो करना है नेगेटिव में, तो हम इसको ओमेगा टी माइनस पाई लिखेंगे, फाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन भी फॉलो करना है, तो ये वाला कितना होगा ओमेगा टी माइनस फाई, साथ में डायरेक्शन बता देगा कि वो नीचे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ये बातें क्लियर है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे जो यहाँ पे जो मिलेगा ना, ये जो चीज़ मिलेगा ये हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू, और वैल्यू कितना है वो भी हमें बता देगा, ई नॉट साइन पूरा क्या लिखना है हमें, ओमेगा टी माइनस फाई। तो डन, एक रिप्रेजेंटेशन वेव के फॉर्म में, एक रिप्रेजेंटेशन इसको क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है, ए भी फेजर डायग्राम है बट इन वेव के फॉर्म में, और इसको आपके क्लास 12th में क्या बोल के रखे हैं उन्होंने, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, डन। अगर आपको याद हो क्लास 11th में मैंने ए वाला फेजर डायग्राम करवाया था, ए नहीं करवाया था, डन, तो ये है आपका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम एक तो आप ऐसे बनाओगे, या तो आप ऐसे बनाओगे, और एक थर्ड टेक्निक जो एनी हाउ डायग्राम नहीं है उसको कहते हैं फेज का फॉर्मूला लिखना, वो क्या होता है फॉर्मूला बेस में, ठीक है, वो होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ हम ड्राइविंग फोर्स क्या लगवाया था, हमने ड्राइविंग फोर्स लगवाया था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें करंट कैसा दिखा, हमें करंट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई।
अगर हम इसी केस को, ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, ऐसा हम लिख के दिखाएंगे, या फिर हम इसी केस को अगर यहाँ से देख के बताएं, इस वाले केस को देख के बताएं, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल केस जो हमने लिया था उसके हिसाब से हमारा करंट कितना होगा, करंट ईएमएफ हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया, तो करंट में कितना डिले हो रहा है, दैट इज आई नॉट साइन, फेज डिफरेंस कितना है पाई, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई, ये बातें क्लियर है, ओमेगा टी माइनस पाई ऐसा हम लिखेंगे, डन है। तो यहाँ पे फेज लिखा जाता है ऐसे करके, ये बातें क्लियर है, ये हमारा प्रैक्टिकल ए वाले केस में से उठा है, ये बाकी सारा ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपका जो फेज डायग्राम का जो डाउट वगैरह रहेगा वो मैंने बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया होगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे एज ए रेजिस्टर में क्या फेज डिफरेंस होता है, जब जब एसी करंट एक रेजिस्टर में से फ्लो होता है, दैट इज़ प्योर रेजिस्टर में से, डन, सिंपल एक वायर में से जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो उसमें फेज डिफरेंस क्या होता है, क्या करंट पीछे चले जाता है, क्या करंट आगे जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।